हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम साढ़े पाँच से। अभी कप्पू गई है इवनिंग वॉक के लिए और हम दोनों यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं। मैं अकेले बोर हो रही थी तो पौवा आ रखी मेरे रूम पे। मेरा नाम शिवानी है और मेरे को सबसे में बोलते पौवा पौवा करके बदनाम करते हैं। नाम पौवा खुद ही कहते हैं, मैं पौवा होकर के जो भी है। तो आज हमने क्या करा है? आज हमने करा है ऑर्डर, किस चीज का ऑर्डर दिया है? आज हमने पिज्जा बाइट्स मंगाया है, पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, जो कि हाँ। थोड़ी देर में आ जाएंगे तो खाएंगे। नहीं कहाँ खाएगी, खरीद लेंगे, खाएगी खरीदेंगे यार। तो दीक्षा दी सारी पेमेंट देंगे क्योंकि इनके फन क्यों हो गए थे, ये पार्टी करा ही नहीं रही है। आज तो मैं देने से रही इसका पैसा। ये रोज ऐसा करिए, आपने देखा होगा कल वाले ब्लॉग में भी इसने यही कहा था दीक्षा दी। तो फिर भी तुमने मतलब जोड़ी देना वो 80 रुपए। रोज का रोज मतलब दीक्षा दीदी पार्टी कराएगी। हाँ, दीक्षा दीदी के पापा के है अम्बा। आज मैसेज भी नहीं दूंगी भाई, आज बन के वाले मैं आज एक काम करूंगी, मैं पेमेंट नहीं करूंगी, सीधे अन्नू दीदी को बोलूंगी पेमेंट करो, फिर उसको देना पड़ेगा अन्नू दीदी को पेमेंट। तो आज करेगी अन्नू दीदी पेमेंट। तो है हम चार लोगों ने कराया ऑर्डर, एक चिम्मू, एक मैं, एक कब्बू, एक है अन्नू दीदी। तो थोड़ी देर में हमारा पार्सल आ जाएगा, हमारा ऑर्डर लगभग आधे घंटे में, तब तक कब्बू भी आ जाएगी, उसके बाद हम खाएंगे। तो मिलते हैं आपको ऑर्डर आने के बाद। तो अभी दीक्षा दी ऑर्डर और अभी हमारी विंडो से दिख रहा है नीचे लोग खेल रहे हैं रैकेट। वैसे मैं भी रोज ही जाती हूँ, आज मैं नहीं गई क्योंकि पगवा आई ना। और इनके विंडो से नीचे देखने में इतना मजा आता है ना, सब कुछ दिखता है, सब कुछ मतलब सब कुछ एकदम पूरा। हाँ। जो नेचर है ना, नेचर की ब्यूटी दिखती है मेरे कमरे से। चलो एक बार आपको भी दिखाई जाए। तो ये दीक्षा दी है, पहले मैं दीक्षा दी का कॉर्नर दिखा देती हूँ। देखो कैसे डेकोरेट कर रखा है इन्होंने ये, और आप दिखाती हूँ ये दीक्षा दी वाली विंडो से जो नीचे, यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं वो बैडमिंटन, हाँ रैकेट, हाँ बैडमिंटन। और तो गाइस पिज्जा वाला आ चुका है, तो हम दोनों जा रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए, तो चलते हैं नीचे। बाकी गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ये ताला लग गया है क्योंकि 5 बजे गेट बंद हो जाता है, और हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं। आप बाहर से देख सकते हैं अंकल भैया भी आ रहे हैं ऑर्डर देने के लिए। दीक्षा नाम से होगा ये, देखो हे भगवान, ये देखो पिज्जा बाइट। तो पेमेंट हो चुकी है और पिज्जा मिल चुका है। तो अब हम चलते हैं रूम पे, कब्बू का वेट करते हैं ठंडा ना हो जाए। काम नहीं थी, चलो दीक्षा दी की पार्टी है, चलो स्नेहा दी एक ही जगह बोले सब। तो गाइज आ चुके हैं हमारा सारा सामान, पिज्जा, 2 वेज बर्गर, 2 नॉन वेज बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक। और अभी हमको ये थोड़ी वेट करने के बाद खाना होगा क्योंकि कब्बू दी गई हुई है रनिंग पे और ये महारानी कर रही है सफाई। तो सफाई तो अभी हमने एक रील बनाई है, वो भी हम शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, उसे भी जरूर देखना। हाँ, जरूर देखना। तो अब मिलते हैं कब्बू दी के आने के बाद, ठीक है? हाँ। आ जाओ गाइज पिज्जा और बर्गर खाने। तो गाइज हमारे इंतजार की घड़ी हुई खत्म, कब्बू दी आ चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं, क्या करते हैं? पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे। खाएंगे, मैं तो अभी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी यार, या खाएगी। कोल्ड ड्रिंक पीएंगे तो, क्योंकि हम दीक्षा दी रनिंग पे जाते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया वो अभी आ चुकी है, वो जो रही हाथ मुंह। मैं रनिंग जाती हूँ, कब्बू दी है, मैं रनिंग जाती हूँ, दीक्षा दीदी, वो दीक्षा दीदी है, मैं कब्बू दीदी हूँ। तो कर लेते हैं टाइम, ठीक है? टिक टिक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या नहीं आया? चलो अभी आ जाएंगे वो, फिर आ गई, आ गई, आ गई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो Amazing! है आप कब्बू आ गई है,
तो अब कब्बू आ गए तो हम बुला लेते हैं अनु दीदी को भी, तो अनु दीदी भी आ जाएगी इसके बाद, तो मैं जाती हूँ अनु दीदी को बुलाने, उसके बाद करते हैं हम पिज्जा खाने का जो प्रोसेस है स्टार्ट। तो गाइज अनु दीदी भी आ गई है पर ये अपने फोन में ही लगी हुई है, तो अब हम लोग कर लेते हैं पिज्जा खाना स्टार्ट। यहाँ पे कब्बू की तबीयत थोड़ी थोड़ी बुखार जैसा आ रहा था तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी, तो ये कर रही है अपने लिए गर्म पानी, तो इसके बाद तो हम करते हैं स्टार्ट। नहीं हम डायरेक्ट ये बॉटल से पियेंगे, क्यों जाओ भी अपने रूम से ग्लास लेके आओ यार, ग्लास नहीं उदार। ठीक है ठीक है अनुदी बेचारी सोच रही है मैं इसको यहाँ से खाऊं यहाँ से खाऊं। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट कौन खा पाता है बर्गर। बर्गर मुंह खाते हुए मत दिखाया। आप ये देख सकते हैं पूरा हो चुका है समाप्त और नीचे बैठ रखे हैं दो लोग और बाकी लोग खेल रहे हैं रैकेट और आधे से ज्यादा सिमकनी फील्ड में पूरी भीड़ लग रही है, चीटियां चल रही है। कितने ज्यादा लोग आए हो नीचे, इजा की आ रही है ना सिमकनी में, की आ रही है पटे आ रही है ना, क्यों है ना पटे हो, अरे जिमोड़ा पोली है, अरे बड़े भाई है। गाइज मैं जिंदगी में सब करूंगी, अपने बेड में कभी नहीं खिलाऊंगी, इसके काम देख सकते हो, ये पूरा कैचअप जो है मेरे बिस्तर में, मेरे बिस्तर की हालत आप लोग देख सकते हैं, ये तो गाइस खाने में फर्स्ट मैं निकली और सेकंड निकली कब्बू दी, थर्ड निकली, अभी तो चल रहे दो लोगों के बीच कंपटीशन अनु दी और अनुदा दीक्षा दी के बीच, अभी देखते हैं कौन निकलता है। मैं लिख के देती हूँ ना स्टैम्प पेपर कहाँ है, कोई बात नहीं मेरे। तो अभी ना अनु दी खाने में थोड़ी बोर हो रही थी, उन्होंने कुछ वो कर दिया, ट्विस्ट कर दिया अपने जूस में, थोड़ा बर्गर मिला दिया। तो सबका खाना पीना हो चुका है। ये ब्लॉगर ऐसा लग रहा है कोई मार मार के, वो छोटे बच्चे को मम्मी नहीं खिलाती है, वो खा खा करके वैसे खा रही है ये। बंडी तेरा बर्गर स्लो है क्या? नॉन वेज बर्गर और वेज बर्गर में क्या अंतर था? डिफरेंस बिटवीन नॉन वेज एंड वेज बर्गर। तो गाइस मिलते हैं आपको कॉल करने के बाद। अभी भी मुंह इधर को देखो दीक्षा जी, इधर को देखो अभी भी मीनू ने पाँच पाँच करने खूब निकलने वाले हो। बताओ हमारी दीदी बोल रही है पैसे भी ज्यादा लिए हैं बिल्कुल, हमारी दीदी अभी तो गए ही नहीं है। चीज बर्गर विराट में अच्छा होता है गाइस, विराट में खाना है ना दी, वही पौवा के काम देख लो आप यहाँ पे, ये और ये देखो ये मेरा पूरे बैग की हालत देख सकते हो आप, ये आपको वैसे मैं जब वैसे दिखा रही हूँ दिखाई नहीं दे रहा, पर ये फोकस करके अगर मैं दिखाऊँ तो ये पूरा बेड देखो, कल ये पौवा या फिर ये नहीं अनुदी ने तो कुछ नहीं करा, पौवा धोएगी कल, ये मेरे बेड सीट पूरी धोएगी पौवा, अरे तुम्हें धो दे हम कल बताओ तो सही। और अनुदी का कल एग्जाम है तो अनुदी की शक्ल देख के आप देख लो, बहुत टेंशन में जा रखी है बेचारी, कल 11 बजे से 2 बजे तक का इनका पेपर है। अनुदी आपने पढ़ लिया पूरा? हां पढ़ लिया।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी पवा यहाँ पे फुलझड़ी बना रही है, आप देखेंगे फुलझड़ी ऐसी होती है ना, सिर्फ इसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बना दी और नीचे से एक डंडा भी होता है जो कि हम थोड़ी देर में लगा लेंगे, इसको फुलझड़ी के कारखाने में लगाएंगे। 10 रुपए का तो इसके ऊपर एक्टिंग की बिल। क्या बोला मैंने? कितना होना चाहिए? क्या बोलूं? के रेम डनो ना भी आ रहा लग रहा है, बोला हमारी पौवा ये। आपको कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं हम पौवा के रूम पे क्योंकि अब होने वाला है खाने का टाइम। तो पौवा कह रही कि मैं अपने रूम की डेकोरेशन दिखाना चाहती हूँ, तो छोटी सी चिट्स बनाए बस मैंने। तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा कॉर्नर ज्यादा अच्छा लग रहा है या पौवा का कॉर्नर ज्यादा अच्छा लग रहा है? हमारा लग रहा है ऑब्वियसली क्योंकि तुमने ज्यादा सजाया है। ओ हाँ सजाया, कुछ नहीं सजाया। तो गाइस पौवा जाने लगी है अपने रूम पे, तो चलते हैं पौवा के साथ। तो गाइस कल इन दोनों का भी बना दिखा मैंने, इन कल नहीं, इसका परसों है, इनका कल है। तो ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैं इनका बाप बनने की कोशिश कर, पड़े पढ़ाई है इस पबुए की। यहाँ पे हंसने की आवाज आ रही है, देखते हैं क्या हो रखा है। पबुआ क्या हुआ? मैं इसको बाहर लेके गई थी सर, मुझे बोल रहे एक ग्लास में बक जो ये सब देखिए अपनी बेइज्जती करके आ रही गाइस, क्या कहूँ मैं इससे अब। हमारी कॉर्नर तो आप देख सकते हैं, आप पवा ने बना रखा है ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सब चीजें। पवा का कॉर्नर भी काफी अच्छा दिख रहा है, ये पवा ने काफी सुंदर बना रखा है। और यहाँ पे है मंदिर, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको पौवा का कॉर्नर भी। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पौवा का कॉर्नर कैसा लग रहा था। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।